हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि टमाटर इस टाइम बहुत महंगे चल रहे हैं, और घर में बच्चे होते हैं, हस्बैंड होते हैं, कई बार मन करता है उनका कि कुछ अच्छा बनाया जाए। तो इस तरह से कैसे बनाएंगे कम टमाटर के साथ, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, ये हमने दो टमाटर लिए हैं और चार प्याज ले लिए हैं। आज हम बना रहे हैं पनीर की सब्ज़ी, बिल्कुल बहुत कम टमाटर में। इन्हें हम दोनों को एक साथ में पीस लेते हैं मिक्सी में। चलिए पीसते हैं। ये हमने दोनों चीज़ों को पीस लिया है, और हमने एक कढ़ाई में ऑयल लेकर उसमें हींग और जीरा डाला है, और फिर अपनी ग्रेवी डाल दी है। इसे हम अच्छे से, बहुत अच्छे से भूनेंगे स्लो आंच पर, जब तक इसमें ऑयल रिलीज नहीं हो जाता। चलाते हुए हमारी इधर ग्रेवी हो रही है, इसलिए हम अपने मसाले इसमें ऐड करते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं, हल्दी, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डलेगा, थोड़ी सी लाल मिर्च, ये आधी चम्मच जितनी हम देगी मिर्च डाल रहे हैं। इसलिए हमने लाल मिर्च पाउडर बहुत कम डाला था। देगी मिर्च में मिर्च भी होती है और कलर भी, इससे हमारी ग्रेवी का बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। देगी मिर्च से कलर तो अच्छा आएगा ही, स्वाद भी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा आ जाएगा। अब हमारी ग्रेवी थोड़ी थोड़ी भुन चुकी है, इस स्टेज पर हम इसमें थोड़ा सा दही ऐड करेंगे। ये 2 चम्मच जितना हमने दही ऐड किया है, इसे अच्छे से मिक्स करके अपनी ग्रेवी में भूनेंगे। इससे हमारी ग्रेवी गाढ़ी होगी। ये देखिए, हमारी ग्रेवी में बबल्स आने शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें अपनी मलाई ऐड करेंगे। ये हमारी 1 कटोरी भरकर मलाई है, इसे ऐड करेंगे। जब मलाई और दही आप डालते हैं तो शुरू में बहुत लगातार इसे चलाते रहिए, और स्लो आंच करकर आप इसे पकने दें। पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं और आप कसूरी मेथी भूल जाएं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। ये कसूरी मेथी मेरे घर की है। जब सर्दियों में मेथी आती है ना, तभी आप इसे सुखा लें। अब इस बिल्कुल इसका महीन पाउडर करके रख लें। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, आप देख रहे होंगे दोस्तों, हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी बन के तैयार हुई है। अभी इसे हम और पकने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी बन गई है। अब हमें जितना इसमें आपको पानी डालना है उतना आप डाल दीजिए। अब इसे पकने दें।
पानी डालने के बाद हमारी ग्रेवी काफ़ी देर तक हमने पकाई है, 10-15 मिनट इसे अच्छी तरह पकाइए, क्योंकि इसमें हम पनीर डालने के बाद बिल्कुल नहीं पकाएंगे। पकाने से क्या होता है कि पनीर बहुत टाइट हो जाता है, हमें पनीर सॉफ्ट ही चाहिए। ये हमने पनीर को कुछ पीसेस में कट कर लिया है, ये हमारा 250 ग्राम पनीर है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे, पनीर डालने के बाद में सिर्फ हम इसमें एक बॉईल लेंगे और बस आंच स्लो कर देंगे, गैस बंद कर देंगे, एक बॉईल आने तक वेट करेंगे। कम टमाटर में भी दोस्तों हम बहुत अच्छी सब्ज़ी बना सकते हैं और अपनी फैमिली को खिला सकते हैं। आप इस सब्ज़ी के साथ में पूरी, पराठा, सब्ज़ी, रोटी उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप इसे प्लेन राइस के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। ये पनीर की सब्ज़ी बिल्कुल शाही पनीर जैसी बनेगी, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मेरी रेसिपी कैसी लगती है दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बस इसमें एक बॉईल आ चुका है, अब हम गैस बंद कर देंगे। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। बाय बाय दोस्तों।